और यामी गौतम जैसे सितारों से सजी फिल्म ओएमजी लगातार चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज डेट भी अब नजदीक आ रही है, लेकिन इसके साथ ही इसके रिलीज के रास्तों में भी कई अड़चने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ओ माई गॉड 2 का देश भर में रिलीज से पहले ही कड़ा विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में सेंसर बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने का निर्देश दिया है, यानी सिर्फ अडल्ट्स ही इस फिल्म को देख सकते हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई सीन्स भी कटवाए हैं। फिल्म की मैक्सिमम शूटिंग उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में की गई है, जो लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। सेंसर बोर्ड ने अगर जो ए सर्टिफिकेट दिया है तो उसके पीछे हो सकता हो कुछ ना कुछ बड़ा रीजन हो, कुछ भी कारण हो दिया होगा, तो वो आगे जो भी होगा पिक्चर आने के बाद में मालूम पड़ेगा। महाकाल की नगरी के बारे में अगर कुछ ऐसा कुछ होगा जो नहीं होना चाहिए तो उसका विरोध बकायदा जनता करेगी। मंदिर के पुजारी ने भी फिल्म निर्माताओं को मंदिर से जुड़े सभी धार्मिक दृश्यों को फिल्म से हटाने को कहा है, वरना प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इस तरह की फिल्म के अंदर ऐसा क्या दर्शाया गया है जिसके कारण उसको यह ए नंबर का जो ए प्लस मिला है, नंबर वन। नंबर टू, यदि इस तरह की स्थितियां बनी है तो हमारी यही मांग है कि उस फिल्म को महाकालेश्वर मंदिर से जितने भी मंदिर संबंधित साठ है उसको तुरंत हटा दिया जाए कि जिससे इस मंदिर की परंपरा और गरिमा कायम रहे। सेंसर बोर्ड ने ए प्लस उसको ग्रेड दिया है, तो ऐसा आखिर उसमें क्या है कि सेंसर बोर्ड को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है? और अगर ऐसा कुछ है जो कि आपत्तिजनक है तभी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, और अगर ऐसा कुछ आपत्तिजनक है और वहाँ चूँकि महाकाल भगवान से जुड़ी हुई व्यवस्था है तो डेफिनेटली इसका हम विरोध करेंगे। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है, और इधर मेकर्स की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि अब देखना होगा कि मेकर्स फिल्म को लेकर आगे क्या फैसला लेते हैं। उज्जैन से संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां प्रदेश